दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका प्लग सीरीज बोर्ड में लगाते हैं और इसके बाद सीरीज बोर्ड का यह स्विच ऑन करते हैं। तो देखिए, मिक्सर ग्राइंडर का यह इंडिकेटर जलने लगा है और मिक्सर ग्राइंडर भी घूमने लगा है। इसकी तीनों स्पीड सही प्रकार से वर्क कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, हम इसे डायरेक्ट एसी में लगाकर चेक करते हैं। तो देखिए, मैंने प्लग इन कर लिया है और स्विच भी ऑन कर दिया है। इंडिकेटर ग्लो होने लगा है और देखिए दोस्तों, इस मिक्सर ग्राइंडर को भी अच्छी तरह से घूम रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। पर दोस्तों, इसमें ग्राहक का कहना है कि यह सही प्रकार से लोड नहीं ले रहा है। तो चलिए, हम इसके बैक कवर को खोलते हैं और इसके ओवरलोड कनेक्शन को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं। फिर हम इसे डायरेक्ट एसी में लगाकर चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, इसके कम्यूटेटर से कितना स्पार्क निकल रहा है। इसका अर्थ यह है कि इसका आर्मेचर पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है, जल गया है, जिसे हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके रोटरी स्विच को बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम इसके इस रोटरी स्विच को बाहर निकाल लेते हैं और इसके इंडिकेटर के भी इन कनेक्शनों को काट देते हैं। फिर बाद में हम इसके कनेक्शन कर लेंगे। अब दोस्तों, हम इसके इस कपलर को बाहर निकालेंगे। दोस्तों, इसमें पुश करने वाला यह कपलर लगा रहता है, तो इसे हम एक पेचकस की सहायता से बड़ी ही आसानी से रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कपलर को बाहर निकाल लिया है। इसके बाद दोस्तों, इसके ऊपर वाले कवर को हम बाहर निकालेंगे। तो इसके स्क्रूओं को जल्दी से हम खोल लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, हम इसमें एक मार्क भी लगा लेते हैं। तो हमने यह ऊपर वाला कवर निकाल लिया है। इसके बाद इस रबर पैकिंग को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों, हम इस मिक्सर मोटर को भी बाहर बड़ी इजी तरीके से इसके नीचे वाले कवर से बाहर निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका यह कम्यूटेटर शॉर्ट हो गया है, इसके कनेक्शन शॉर्ट हो गए हैं, इसी वजह से यह स्पार्क कर रहा है और लोड नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, हम इसे चेंज करने से पहले इसके कार्बन ब्रश से कार्बनों को बाहर निकालेंगे। तो इसके कार्बन होल्डर से हम कार्बन को इस प्रकार से बड़ी इजी तरीके से निकाल लेते हैं। दोस्तों, इसके कार्बन पूरी तरह से सही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, हमने इस प्रकार इन पत्तियों को सीधा करके कार्बन को बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों, हम इसके बैक कवर को इस प्रकार से बाहर निकालते हैं। बैक कवर को बाहर निकालने के बाद हम आर्मेचर को बड़ी आसानी से इसकी बॉडी से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम इसमें एक मार्कर पेन से मार्क लगा लेते हैं ताकि बाद में मोटर को कसते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो इस प्रकार हम एक प्लास की सहायता से इसके बैक कवर को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने फील्ड क्वाल और आर्मेचर को अलग कर लिया है। आर्मेचर की शाफ्ट पर लगने वाली इस लोहे की गोली को भी हमें ध्यान से रखना पड़ता है। अब दोस्तों, हम इस आर्मेचर को भी इसके आगे वाले कवर से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, अब हम इसमें नया आर्मेचर सेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह सचिन कंपनी का आर्मेचर है जो कि सुमित न्यू 48 mm इसका
मॉडल नंबर है तो नया और फ्रेश आर्मेचर है दोस्तों, इसे हम इस मिक्सर ग्राइंडर में सेट करेंगे। तो देखिए बिल्कुल एक सा कंपनी का यह आर्मेचर है दोस्तों। इसमें पुराने आर्मेचर में लगे हुए रबर वाशर को भी हम इसमें लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसकी शाफ्ट पर ऑयल से लुब्रिकेट कर लेते हैं और इसकी आगे वाले कवर में इसको लगाकर अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो देखिए आर्मेचर अच्छी तरह से घूमने लगा है। इसके बाद दोस्तों हम इसके पीछे वाली शाफ्ट पर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेते हैं और ग्रीस लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें लोहे की गोली को भी लगाएंगे। दोस्तों ग्रीस लगाने के बाद यह लोहे की गोली गिरती नहीं है और आसानी से कवर में सेट हो जाती है। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया है और इसे भी हम ऑयल से लुब्रिकेट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम जिस दिशा में हमने मार्क किया था उसी दिशा में हम इसके बैक कवर को आसानी से लगा लेते हैं और इसे सेट कर लेते हैं। दोस्तों हमें इसके कवर पर हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि कवर नाजुक होते हैं, टूटने का डर रहता है। अब दोस्तों हम एक पेचकस की सहायता से इसके सभी चारों स्क्रूओं को अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। और देखिए दोस्तों इसका आर्मेचर कितनी स्मूथली और अच्छी तरह से घूमने लगा है। अब दोस्तों हम इस नट के द्वारा भी इसकी प्ले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इस मोटर में इसके कार्बनों को लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर कार्बन को डालते हैं और ऊपर से इस पत्ती को प्रेस कर देते हैं तो यह कार्बन लॉक हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरी ओर का भी कार्बन होल्डर में लगाते हैं और इसकी पत्ती को प्रेस करते हैं तो यह कार्बन भी बड़ी ही आसानी से लॉक हो जाता है। अब दोस्तों हम इसे डायरेक्ट एसी में लगाकर चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों यह मिक्सर मोटर काफ़ी स्मूथली और अच्छी तरह से घूमने लगी है और इसके कम्यूटेटर से किसी प्रकार की कोई स्पार्किंग नहीं आ रही है और यह अच्छी तरह से लोड लेने लगी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बड़ी ही आसानी से किसी भी मिक्सर ग्राइंडर के आर्मेचर को बदल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इसके नीचे वाले कवर में इसकी मोटर को सेट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके मार्क को देखकर हम इसके ऊपर वाले कवर को भी बड़ी ही आसानी से सेट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मोटर के इन सभी स्क्रूओं को अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं और इसके रोटरी स्विच को लगाकर इसके स्क्रू को भी अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इसके काटे हुए इन इंडिकेटर के कनेक्शनों को भी आपस में जोड़ लेते हैं। और अब दोस्तों हम इसके ओवरलोड स्विच में भी इन दोनों कनेक्शनों को लगा देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने इसे लगा लिया है और अब हम इस बैक कवर के सभी स्क्रूओं को लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं।
अब चलिए दोस्तों हम इसकी शाफ्ट पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसके बाद दोस्तों हम इसमें इसके कपलर को भी सेट करेंगे। तो यह पुश वाला कपलर है दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से इसकी शाफ्ट पर रखकर ऊपर से एक शाफ्ट से हम इसको ठोकर लगाते हैं तो यह बड़ी आसानी से सेट हो जाता है। अब दोस्तों हम इसे फाइनली चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर काफ़ी अच्छी तरह से घूमने लगा है, लोड लेने लगा है, वर्क करने लगा है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों बड़ी ही आसानी से किसी भी मिक्सर ग्राइंडर के आर्मेचर को सरलतापूर्वक बदल सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।